नाउ हिज स्क्रीन इज विजिबल, इज स्क्रीन विजिबल विजेता, यस सर, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, ओके नाउ आई एम गोइंग टू हाँ शेयर सर, द स्लाइड। ओके ओके नाउ टाइटल स्लाइड इज विजिबल, लेक्चर नंबर 8 दिख रहा है विजेता? यस सर, यस सर, ओके आवाज ठीक हाँ सर, है, आवाज ठीक है, हाँ सर, वॉइस ठीक है ना? ओके हाँ, यस सर, ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8 दैट बिलोंग टू न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर डिटेक्टर्स, ओके प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल्स, एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट द अल्फा डिके। ओके मतलब अल्फा, अल्फा डिके मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है न्यूक्लियस के अंदर से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा डिके। ओके अल्फा पार्टिकल निकल रहा है न्यूक्लियस से, दैट इज अल्फा डिके। बीटा पार्टिकल निकल रहा है न्यूक्लियस से, दैट इज बीटा डिके। ओके द प्रोसेस इन विच द अल्फा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा डिके। अभी डीके मीन्स वॉट, वाई इट इज कॉल्ड डीके? डीके मतलब कोई चीज कम होना, ठीक है डिसइंटीग्रेट होना। सो न्यूक्लियस में से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है? डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियस किस में रहता है? एटम में। ठीक है अगर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ इसका मतलब एटम भी डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि एटम का सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस रहता है। ठीक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैवी हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है तो उनमें से क्या निकलते हैं? स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स। सो द प्रोसेस इन विच अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा डीके। डीके मतलब न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूक्लियस कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, न्यूक्लियस बड़ा है, उसमें से अगर पार्टिकल्स निकलते जाते हैं तो न्यूक्लियस छोटा होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का मास किस पे डिपेंड है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे। अगर अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकल रहा है, मतलब कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। बिकॉज अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अगर किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है मतलब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए, इट मीन्स दैट न्यूक्लियर का मास कम हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियस का डीके हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। सो वी विल लर्न अबाउट द अल्फा डीके। सो व्हाट इज अल्फा डीके? द न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच अल्फा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली। व्हाई द स्पॉन्टेनियसली? ये स्पॉन्टेनियसली क्यों लिखा है? क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस इमीडिएट प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि तुम देखते रहोगे और अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे निकलते रहेगा, ऐसा नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस, एकदम फास्ट प्रोसेस। जैसे डीके, जैसे ये अनस्टेबल हुआ न्यूक्लियस, एकदम फास्ट तरीके से अल्फा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस में से, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकला तो दैट इज कॉल्ड अल्फा डीके। ओके सो अल्फा डीके मीन्स द न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच अल्फा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। स्पॉन्टेनियसली इमिटेड, इंस्टेंटेनियसली इमिटेड, फास्ट प्रोसेस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस इन विच द अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड अल्फा डीके। ओके फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल, ये एक न्यूक्लियस है ओके इन विच द प्रोटॉन्स आर एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो विच आर प्रोटॉन्स? द येलो कलर सर्कल्स आर प्रोटॉन्स एंड द रेड कलर एंड द पिंक टाइप कलर्स। ओके दिस प्रोसेस, दिस कलर रेड कलर सर्कल्स आर न्यूट्रॉन्स। ओके दिस इज द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके वी कैन डिनोट दिस न्यूक्लियस बाय एक्स। इफ सपोज दिट इज न्यूक्लियस एक्स, ए मीन्स मास नंबर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इफ सपोज दिस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विच न्यूक्लियस इज अनस्टेबल विच हैविंग मास नंबर मोर देन 210।
If suppose this nucleus is having mass number more than 210, this is called parent nucleus. Okay, अभी तक इस nucleus में से कुछ भी निकला नहीं है, that's why it is called parent nucleus. अभी इस nucleus में से radioactive emission होगा, मतलब alpha particle निकलेंगे, तो parent nucleus will convert into daughter nucleus. Okay, so this is parent nucleus having atom, having mass number more than 210, and this can be denoted at x, a, z, a is mass number and z is atomic number. If suppose the alpha particle is emitted from this nucleus, so it will convert into daughter nucleus. So this is daughter nucleus. अभी छोटा हो गया, this is बड़ा nucleus. इसमें से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो ये न्यूक्लियस छोटा हो गया. अल्फा पार्टिकल बाहर निकला मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, इमिट कर गए. सो अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कम हो गए, मतलब मास नंबर कितना कम हुआ, 4. तो इसलिए देखो यहां क्या लिखा है, वाई ए माइनस 4, मास नंबर विल बी डिक्रीज्ड बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज्ड बाय 2. वाई एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अल्फा पार्टिकल बाहर निकला मतलब कितने प्रोटॉन बाहर निकले, 2. तो इसलिए यहां क्या लिखा है, जेड माइनस 2, मतलब दो प्रोटॉन कम हो गए. नाउ व्हाई इट इज 4 ए माइनस 4, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम हो गए, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, मतलब 4 न्यूट्रॉन, 4 मास नंबर इसका 4 कम हो गया. 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स मींस 2 प्लस 2 4. इट मींस दैट डॉटर न्यूक्लियस मास नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 4. तो मास नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड. दिस इज अल्फा पार्टिकल. ओके, सो अल्फा पार्टिकल contains 2 protons and 2 neutrons. That's why it is denoted by He42. Alpha particle मतलब helium nucleus, जिसका atomic number 2 होता है और mass number 4 होता है. तो it is denoted as He42. Okay, this is alpha particle मतलब 2 proton कम हो गए तो minus 2. 2 proton plus 2 neutron यानी total 4 कम हो गए तो minus 4. So the daughter nuclei will be represented by, will be presented as Ya minus 4, Z minus 2. Means अगर किसी nucleus में से alpha particle emit होता है तो उसका atomic number 2 से change होता है और mass number 4 से change होता है, मतलब atomic number 2 से reduced होता है और mass number 4 से reduced होता है, because 4 इधर चला, इधर आ गया 4, 2 इधर आ गया, मतलब 2 रिड्यूस हो गया, 4 रिड्यूस हो गया, मतलब अल्फा पार्टिकल निकला तो मास नंबर 4 से रिड्यूस हो गया और एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो गया, मतलब प्रोटॉन 2 कम हो गए और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 कम हो गया, मतलब प्रोटॉन 2 कम हो गया और न्यूट्रॉन 2 कम हो गया और टोटल कितना कम हुआ, 4. मास नंबर हो गया कम 4 एंड एटॉमिक नंबर कम कितने से हुआ, 2 से कम हुआ. सो दिस इज डॉटर न्यूक्लियस and this particle is called alpha particle, and the process in which alpha particle emitted from the nucleus, this process is called alpha decay. Alpha decay में क्या होता है, atomic number 2 से कम होता है अगर nucleus में से alpha particle निकला और mass number 4 से कम होता है, मतलब mass number will be reduced by 4, atomic number will be reduced by 2 when alpha particle is emitted from the nucleus. So this is the simple example. This is parent nucleus X, A, Z, and this is your daughter nucleus Y, A minus 4, Z minus 2, and this is the alpha particle. Okay, so एक example लेते हैं कि alpha particle कैसे, जैसे मान लो कि अभी तो यहाँ हमने XY के terms में example पढ़े. Now एक real example लेता हूँ, एक uranium का. Okay, uranium क्या है, radioactive element है. And uranium nucleus का atomic number कितना होता है, 92, मतलब उसमें 92 protons होते हैं. और उसका mass number क्या होता है uranium का, 238, मतलब उसका neutron plus proton 238 होते हैं. ठीक है, for example ये देखो uranium, uranium having mass number 238, atomic number 92, अगर इसमें से alpha particle निकला तो convert किस में होता है, thorium में. alpha particle निकला मतलब 238 है, इसमें mass number कम हो गया, 234 हो गया, 238 minus 4, 234, और atomic number 2 से कम हो गया, 92 minus 2, 90. So it will convert into thorium. So uranium will convert into thorium by emitting alpha particle. उसमें से alpha particle निकल गया, मतलब 4 और 2, 4 कम हो गया तो 238, 238 में से 4
रिड्यूस हो गया तो 234, 92 में से 2 रिड्यूस हो गया तो 90. सो यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू थोरियम बाय इमिटिंग दिस अल्फा पार्टिकल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा डीके. ओके, यूरेनियम न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया थोरियम में, कन्वर्ट हो गया थोरियम में कन्वर्ट हुआ तो उसका मास नंबर 4 से रिड्यूस हो गया, एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो गया. सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू थोरियम और क्या निकल गया उसमें से, अल्फा पार्टिकल. दिस अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Hg42. दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अल्फा डीके एंड सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डीके. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा डीके. यू माइट हैव लर्नड इन दिस टॉपिक इन 12th स्टैंडर्ड, राइट? रेडियो एक्टिव जब तुमने पढ़ा होगा तो ये तो तुम्हें पता होगा कि मास नंबर 4 से चेंज होता है और एटॉमिक नंबर 2 से चेंज होता है जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस से. ओके, तो ये हो गया अल्फा डीके के बारे में. अच्छा, तो इसके बाद जो पोर्शन हम पढ़ेंगे दैट इज, ये तो हो गया अल्फा डीके का. अल्फा डीके से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे, वो शायद तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? सो क्या क्या देखेंगे इसके बाद, इसके बाद हम एक लॉ देखने वाले हैं, ठीक है? एक लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड गीगर नटल लॉ. ओके, सो 1911 में क्या हुआ, एक गीगर, हंस गीगर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके जो स्टूडेंट है नटल, ठीक है, जो गीगर नटल लॉ है वो दो लोगों ने डिस्कवर किया है. गीगर मतलब एक प्रोफेसर और नटल मतलब उसका स्टूडेंट जो उनके अंडर रिसर्च कर रहा था, ठीक है? दोनों ने एक लॉ निकाला. उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए, ठीक है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेने के बाद उन्होंने हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते हैं इसकी स्टडी किया, गीगर और नटल दोनों ने मिलकर. नटल है स्टूडेंट और गीगर है प्रोफेसर, ठीक है? दोनों स्टूडेंट और गीगर और उनके स्टूडेंट नटल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे, यूरेनियम पे, थोरियम पे, जो भी है प्लूटोनियम पे, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे स्टडी किया और अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं उन पे स्टडी किया उन्होंने, ठीक है? और उन्होंने वो कंक्लूजन निकाला कि अगर अल्फा पार्टिकल्स किसी भी न्यूक्लियस में से निकलते हैं, ठीक है, तो वो रेंज जो होती है अल्फा पार्टिकल्स की, मतलब अल्फा पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, उस अल्फा पार्टिकल या फिर उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस या उस पर्टिकुलर एटम के डीके कांस्टेंट पे या उसके हाफ लाइफ पीरियड पे डिपेंड करता है. अब हाफ लाइफ पीरियड मतलब तुमने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में रेडियो एक्टिव में हाफ लाइफ पीरियड ऑफ न्यूक्लिया क्या होता है, या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एटम्स क्या होता है, या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है. इफ सपोज करो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में 50 आइटम्स है, ठीक है? अगर 50 में से उसमें से क्या हो रहा है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो 50 आइटम्स का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन होता है. तो वो 50 आइटम्स कन्वर्ट 25 रहने में जितना टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. मतलब अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में 50 आइटम्स है तो वो 50 आइटम्स को बार बार अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है तो वो 50 आइटम्स कम होते 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 पर 25 रह जाएंगे. तो 50 आइटम्स को कम होने में 25 होने में जितना टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें 50 आइटम्स है, सपोज करो उसको 50 आइटम्स को डिसइंटीग्रेट होने में 25 होने तक जितना टाइम लगेगा, 50 मतलब हाफ होने तक, 50 से 25 मतलब हाफ होने तक जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है? ये तुमने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ठीक है? जितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट या जितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर में से डीके ज्यादा होगा, जितने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, जितना ज्यादा डीके होगा उतना कम होगा उसका हाफ लाइफ पीरियड, उतना जल्दी वो हाफ हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया कि अगर मान लो कि एक कोई भी एक चीज मैं दे रहा हूँ खाने के लिए, ठीक है, तो तुमने जितने ज्यादा रेट से वो चीज खाई उतनी ज्यादा वो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी. अगर तुमने स्लो खाया तो वो चीज क्या हो जाएगी, टाइम लगेगा खत्म होने में. उसी तरीके से अगर मान लो न्यूक्लियस के या फिर किसी एटम के या किसी सब्सटेंस में से जल्दी एटम्स निकल रहे हैं, ठीक है, एकदम डीके एकदम फास्ट है, डीके कांस्टेंट बहुत फास्ट है, तो उसको हाफ होने में कम समय लगेगा, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड इज विल बी कम. इफ डीके इज फास्ट
It means if decay is large, the half-life period come. If decay is slow, the half-life period is more. Right? So, Giger और Nuttall ने 1911 में experiment किया और एक law ढूंढ के निकाला. That law is called Giger-Nuttall law. Giger professor था, Nuttall उनका student था. ठीक है? So, Giger and Nuttall, what they studied the relation between the energy of alpha particle or range of alpha particle in air to the half-life and decay constant. Okay. They studied the relation between the range of alpha particle in air to the half-life and decay constant of the alpha particle emitter nuclei. मतलब that substance, जो substance या जो nuclei alpha particle emit कर रहा है, उसका half-life period और उसका decay constant की study का relation range of alpha particle के साथ उन्होंने ढूंढ के निकाला. That relation is called Giger-Nuttall law. Okay, they studied the relation between range or energy of alpha particle in air to the half-life period and decay constant of particular nuclei that which emitting the alpha particle. Okay, so decay constant मतलब क्या होता है? जितना ज़्यादा decay होगा, उतना ज़्यादा decay constant होगा. Half-life period कम होगा. ठीक है, वही मैंने एक एग्जांपल देखा कि अगर एक चीज दो, अगर वो चीज तुम जल्दी जल्दी फास्ट खा रहे हो तो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब उसका पीरियड हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, कम, मतलब वो जल्दी डीके हो रही है तुम खा रहे हो उसको. ठीक है, वही चीज अगर तुम स्लोली स्लोली खा रहे हो, धीरे धीरे खा रहे हो, तो खत्म होने में टाइम लगेगा, इसका मतलब उसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है. उसी तरीके से अगर मान लो किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे, जल्दी जल्दी निकल रहे, मतलब बहुत फास्ट डीके हो रहा है, मतलब डीके कॉन्स्टेंट ज्यादा है, तो हाफ लाइफ पीरियड कम है, जल्दी खत्म हो जाएगा ना, जल्दी हाफ हो जाएगा. अगर 50 एटम्स है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, 50 एटम्स है और 50 एटम्स में से बहुत जल्दी जल्दी एटम्स निकल रहे, बहुत फास्ट डीके हो रहा है, तो उसको 25 होने के लिए बहुत कम समय लगेगा, मतलब हाफ लाइफ पीरियड विल बी लेस. अगर मान लो 50 एटम्स है और एक एक एटम बहुत कम कम समय में धीरे 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 निकल रहा है, मतलब डीके बहुत स्लो है, डीके स्लो है मतलब डीके कांस्टेंट कम है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको 50 से 25 होने में. राइट, सो उसी तरीके से Giger एंड Nuttall ने रिलेशन निकाला रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर टू द हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल इमिटर न्यूक्लिया. दैट रिलेशन इज कॉल्ड Giger-Nuttall लॉ. सो Giger-Nuttall लॉ को क्या फाइंडिंग मिला, उन्होंने कॉन्क्लूजन क्या निकाला, ये देखो, ये तो एक एक्सप्रेशन तुमने पढ़ा होगा 12th में, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट. लैम्बडा क्या है, डीके कांस्टेंट, और टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, और 0.693 कहां से आया, लॉग 2. ठीक है, ये तुमने रिलेशन पढ़ा था 12th में कि हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कांस्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर. ओके, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693. ये 0.693 किसकी वैल्यू है, लॉग 2 की वैल्यू है. सो एक्सप्रेशन क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा. लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट एंड टी हाफ इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द न्यूक्लियर. सो हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा, लैम्बडा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. राइट, लैम्बडा कम, टी हाफ ज्यादा, लैम्बडा ज्यादा, टी हाफ कम. ओके, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड. व्हाई, बिकॉज डीके ज्यादा, हाफ लाइफ पीरियड कम, डीके कम, हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा. राइट, सो ये एक्सप्रेशन तुमने पढ़े थे. ये सिर्फ एक्सप्रेशन मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुमको समझ में आए कि हाफ लाइफ पीरियड और डीके कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. राइट, सो Giger एंड Nuttall ने कॉन्क्लूजन ये निकाला, देखो कॉन्क्लूजन क्या था, लॉन्गेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाइड्स मतलब न्यूक्लियर, मोर देन वन न्यूक्लियर. ओके, सो इट स्टेट्स दैट लॉन्गेस्ट लाइव्ड न्यूक्लियाइड हैविंग स्मॉल डीके कांस्टेंट. ओके, मतलब जिनका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है, लॉन्गेस्ट लाइव न्यूक्लियाइड मतलब जिनका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है, लॉन्गेस्ट मतलब ज्यादा. ठीक है, सो उसका डीके कांस्टेंट क्या होगा, कम. राइट, अभी मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट लाइव न्यूक्लियाइड मतलब जिसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है उसका डीके कांस्टेंट कम होगा, हैविंग स्मॉल डीके कांस्टेंट, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका डीके कांस्टेंट कम है वो क्या करेंगे, वो जो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम. ठीक है, ये सिंपल चीज है, कोई न्यूक्लिया है, ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है और उसका डीके कांस्टेंट कम है,
ठीक है, डीके कांस्टेंट कम होना मतलब, डीके कांस्टेंट कम मतलब एकदम स्लो डीके हो रहा है, जिसका हाफ लाइफ और स्लो डीके हो रहा है, तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम, लीस्ट एनर्जी। ठीक है, लॉन्गेस्ट लिव लाइव न्यूक्लियाई इमिट लीस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, मतलब क्या होगा कि देखो लॉन्गेस्ट लाइव मतलब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं, डीके कांस्टेंट कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। सो डीके कांस्टेंट कम है, बहुत स्लो तरीके से निकल रहे, स्लो निकल रहे मतलब एनर्जी कम है, राइट। सो इट स्टेट्स दैट द लॉन्गेस्ट लाइव न्यूक्लियाइड मतलब जिनका डीके कांस्टेंट कम है वो बहुत स्लो एनर्जी से उससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। इसका उल्टा अगर मान लो शॉर्टेस्ट लाइव न्यूक्लियाइड है मतलब डीके कांस्टेंट अगर ज्यादा है, बहुत फास्ट निकल रहे हैं, तो एनर्जी भी क्या होगी अल्फा पार्टिकल्स की ज्यादा होगी। डीके कांस्टेंट कम मतलब एनर्जी कम, ठीक है, डीके कांस्टेंट ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। व्हाई डीके कांस्टेंट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बिकॉज हाईएस्ट डीके कांस्टेंट मतलब हाई डीके रेट। इफ हाई डीके रेट तो बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल्स निकलेंगे न्यूक्लिया में से, बहुत जल्दी जल्दी निकले मतलब उनका एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो इसमें से इस उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ऐसे न्यूक्लिया जिनका हाफ लाइफ पीरियड कम होता ज्यादा होता है, लॉन्गेस्ट होता है मतलब डीके कांस्टेंट कम होता है, उसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलती है उनकी एनर्जी लीस्ट होती है मतलब कम होती है। और इसका ऑपोजिट अगर मान लो शॉर्टेस्ट लाइव न्यूक्लिया है जिनका हाफ लाइफ पीरियड कम है, उसमें डीके कांस्टेंट ज्यादा होता है और वो जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, देयर एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, बहुत ज्यादा होती है एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की। ओके, सो इट कंक्लूड्स दैट इफ द डीके कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज स्मॉलेस्ट, दे रिलीज द लीस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, उनकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम होगी। और ऐसे न्यूक्लिया जिनका डीके कांस्टेंट ज्यादा है मतलब बहुत फास्ट रेट से डीके हो रहे हैं, उनका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, मोस्ट होगा। ओके, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया, दैट इक्वेशन इज दिस। ओके, लॉग 10 लैम्बडा, लैम्बडा मतलब डीके कांस्टेंट, ए और बी दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स, और आर मतलब रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया, लैम्बडा इज रिलेटेड विद द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, सो लॉग 10 लैम्बडा मतलब अगर लैम्बडा बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, ठीक है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अगर बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर मान लो कि ये लैम्बडा ज्यादा है तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा है, इफ लैम्बडा मोर आर अल्फा इज मोर, इट मींस एनर्जी इज मोर। ओके, क्योंकि रेंज ऑफ अल्फा, जितनी ज्यादा रेंज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल्स की। सो दे गिव दिस प्रॉपर रिलेशन, दैट रिलेशन इज कॉल्ड गीगर नटल रिलेशन और गीगर नटल लॉ। द रिलेशन इज लॉग लैम्बडा, लॉग टू द बेस्ट 10, ओके, लॉग लैम्बडा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग आर अल्फा, आर अल्फा क्या है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डीके कांस्टेंट लैम्बडा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट मींस दैट डीके कांस्टेंट लैम्बडा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बिकॉज द रेंज ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, रेंज कम तो एनर्जी कम, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा मतलब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि रेंज मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द अल्फा पार्टिकल इन द पर्टिकुलर मीडियम, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मतलब उसको एनर्जी लूज करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जेटिक है। सो आर ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, आर कम मतलब एनर्जी कम। ओके, सो ये किड्स पे डिपेंड है, डीके कांस्टेंट पे डिपेंड है, डीके कांस्टेंट ज्यादा तो एनर्जी, रेंज ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, डीके कांस्टेंट कम मतलब रेंज कम एनर्जी कम। ओके, यही तो बोल रहा है, देखो डीके कांस्टेंट ज्यादा, हाईएस्ट डीके कांस्टेंट हाई एनर्जी, लो स्मॉलेस्ट डीके कांस्टेंट लीस्ट एनर्जी, ठीक है, हायर डीके कांस्टेंट हायर रेंज मींस हायर एनर्जी, लीस्ट डीके कांस्टेंट मतलब कम डीके, लेस डीके कांस्टेंट लेस रेंज एंड लेस एनर्जी। सो दिस रिलेशन लॉग लैम्बडा इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या कांस्टेंट है, लॉग लैम्बडा किस पे डिपेंड है, आर अल्फा पे डिपेंड है। सो लॉग लैम्बडा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग आर अल्फा, दैट इज कॉल्ड गीगर नटल रिलेशन।
and Geiger-Nadel relation, lambda means decay constant, R alpha means range of alpha particle, and APR constant. So you have to remember this relation, and this relation states that decay, if decay constant is more, range is more, means energy is more. If decay constant is less, range will be less and the energy will be less of that particular alpha particle. तो ये हो गया गीगर नेटल रॉ. और अगर इसका ग्राफ देखना है तो क्या करेंगे, लॉग लैम्ब्डा को वाई एक्सिस पे लेंगे और लॉग इसको लॉग आर अल्फा को एक्स एक्सिस पे लेंगे. तो इसका ग्राफ कैसे दिखता है देखो, गीगर नेटल रॉ ग्राफ, लॉग लैम्ब्डा वाई एक्सिस पे. अभी ये इक्वेशन दिखाया मैंने, ओके दिस इक्वेशन, लॉग लैम्ब्डा को वाई एक्सिस पे लो और लॉग लॉग आर रेंज को एक्स एक्सिस पे लो. ठीक है, ये देखो ग्राफ कैसे दिखेगा, log lambda y एक्सिस पे, log r alpha x एक्सिस पे, और ग्राफ इस तरीके से दिखेगा. देखो ये अलग अलग ग्राफ है, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए. ये यूरेनियम सीरीज का ग्राफ है, मतलब यूरेनियम के न्यूक्लिया, जितने भी यूरेनियम के आइसोटोप्स होंगे, न्यूक्लिया होंगे, उसके लिए इस तरीके का ग्राफ आएगा. ये थोरियम के लिए, थोरियम सीरीज, मतलब थोरियम से रिलेटेड जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहेंगे, थोरियम से रिलेटेड जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया रहेंगे, उसका ग्राफ ऐसे आएगा. ठीक है, दिस इज फॉर थोरियम सीरीज एंड दिस इज फॉर एक्टिनम सीरीज. एक्टिनम भी एक एलिमेंट है, एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स जो एक्टिनाइड सीरीज होती है. ठीक है, वो एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनम एलिमेंट से लेबल नाम दी गई है. तो एक्टिनम पहला एलिमेंट है एक्टिनाइड सीरीज का. ओके, तो एक्टिनम एलिमेंट्स से रिलेटेड जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया होंगे, उसका ग्राफ ऐसे आएगा. तो सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं बिकॉज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड रिलेशन बिटवीन आर अल्फा इज स्ट्रेट लाइन. ओके, इट मींस दैट इफ रेंज विल इंक्रीज, इफ रेंज इंक्रीज्ड देन लैम्ब्डा इंक्रीज, इट मींस दैट इफ लैम्ब्डा इंक्रीज रेंज विल इंक्रीज. ओके, तो जितना ज्यादा डीके कांस्टेंट होगा रेंज भी उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी भी उतनी ज्यादा. देखो स्ट्रेट लाइन है, तीनों रिलेशन कितना है, लीनियर है. लीनियर मींस आर इन, इफ आर इंक्रीजेस, ठीक है, लैम्ब्डा विल बी इंक्रीज. इफ लैम्ब्डा विल इंक्रीज आर विल बी इंक्रीज. ओके, आर और लैम्ब्डा का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा. अगर स्ट्रेट लाइन क्योंकि क्या है, पॉजिटिव स्लोप में, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी होती, क्रॉस वाली होती, तो उसका नेगेटिव स्लोप होता. तो इन सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स का स्लोप पॉजिटिव है, इट मींस दैट आर अल्फा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैम्ब्डा. ओके, यूरेनियम के लिए इस तरीके का आएगा स्ट्रेट लाइन. सारे जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट सीरीज है, सबके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे. गीगर नटल लॉ क्या होगा, लीनियर, इट्स शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डीके कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस विच आर दैट इज इमिटिंग अल्फा पार्टिकल. तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आएंगे तीनों सीरीज के लिए. और भी उन्होंने, और भी ये उन्होंने गीगर और नटल लॉ ने यूरेनियम सीरीज के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काम किया, थोरियम सीरीज के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पे काम किया, और एक्टिनम. और उन्होंने देखा जब वो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लॉट करते हैं डीके कांस्टेंट वर्सेस, तो सारे के सारी जो ग्राफ्स आते हैं स्ट्रेट लाइन आते हैं. इसका मतलब रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लीनियरली रिलेटेड विद द डीके कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल इमिटिंग न्यूक्लिया और सब्सटेंस. ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गीगर नटल लॉ. ठीक है, अभी जो हमने गीगर नटल लॉ पढ़ा, ठीक है, वो हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब इस गीगर नटल लॉ को एनर्जी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे हम. ठीक है, अब इसको हमने क्या देखा कि ये डीके कांस्टेंट है और ये रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल है. वी हैव स्टडीड द गीगर नटल लॉ इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल. नाउ वी विल स्टडी द गीगर नटल लॉ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गीगर नटल लॉ को. ठीक है, जब मैं रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल पढ़ा रहा था, ठीक है, तब मैंने ये पढ़ाया था कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है. ठीक है, पहला जो चीज़ होती है वो चीज़ है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है कि कितने वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं न्यूक्लिया में से. ठीक है, ये जो चीज़ मैंने बताई थी, मैं फिर से वो स्लाइड रिकॉल कर रहा हूँ तुमको, देखो. ठीक है, वो फिर से मैं चीज बता रहा हूं, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल किन चीजों पे डिपेंड होती है. ठीक है, ये देखो, ये मैंने बताया था, ये देखो, वी आर
I already told you that the range of alpha particle depend upon the radioactive substance, nature of medium, मतलब किस medium से pass हो रहा है, air से pass हो रहा है, कि कोई gas से pass हो रही है, इस पे depend है, और तीसरा है velocity of emission, that is very important point, मतलब alpha particle कितनी velocity से निकल रहे हैं, ठीक है, उस पे range of alpha particle depends होती है, ठीक है, so देखो, ठीक है, गीगर नटल लॉ देखा, ओके, नाउ वील सी द गीगर नटल लॉ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. अभी मैंने बताया कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल वो डिपेंड करती है वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं न्यूक्लियस में से बाहर, ठीक है, सो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, सो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. इट मीन्स दैट रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्यूब ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी से निकलेंगे उतनी ज्यादा रेंज होगी, ठीक है, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी. ओके, सो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और हमको पता है एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन फॉर्मूले से हाफ एम वी स्क्वायर, ये तुमको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, सो दिस E is equal to half mv square. So E is directly related to v square. E is directly related to v square. And mass क्या होता है? Constant होता है. किसी भी चीज का mass constant होता है. Half क्या है? Half value है constant. तो half is constant, m is constant. So E is directly related to the v square. We can write it as E is directly related to the v square. Okay, E is equal to half mv square. Half m क्या है? Constant है. So E is directly related to the v square. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये v स्क्वायर को, ये स्क्वायर को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो e के ऊपर क्या आएगा? हाफ पावर, ठीक है, वी शिफ्ट दिस पावर टू दैट साइड, सो इन e, e टू द पावर हाफ, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v, ओके, ऐसा हो गया ये. नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, E is directly proportional to V square हो गया, half m constant है, अब ये square को मैं इस side लेके गया, तो E हो गया, E is equal, E to the power half, directly proportional to V. Now taking cube on both side मैंने cube ले लिया, तो cube लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे cube ले लिया, तो E हो जाएगा 3 by 2, और V का cube हो जाएगा, ठीक है, so E 3 by 2 directly proportional to V cube, ऐसा हो गया, ठीक है, but we know that R alpha is directly proportional to V cube. Now here e to the power 3 by 2 is directly proportional to v cube. तो one equation one से हम क्या मिल रहा है? देखो r alpha is directly proportional to v cube. मतलब a is directly proportional to b cube और b is और b c b is directly proportional to b cube. So this is directly proportional to this. Because from equation one, if r alpha is directly proportional to v cube, e to the power 3 by 2 is directly proportional to v cube. It means that r alpha is directly proportional to e to the power 3 by 2. ठीक है, समझ में आया इक्वेशन नंबर वन क्या बोल रहा है? सपोज करो ये ए है, अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, ये बी है, ये सी है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, इस मींस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी क्यूब. सो फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट एज आर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, हियर ई टू द पावर 3 बाय 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, सो दैट वी दिस वी टर्न इन टू दैट दैट साइड, सो वी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 3 by 2, ठीक है, यहां से हमने क्या मिला, v cube is directly proportional to 3 by 2, अब v cube is directly proportional to r alpha, so we can write in place of v cube r alpha, okay, और equation 1 implies, okay, देखो, e to the power 3 by 2 is directly proportional to v cube, so it means that reverse the equation, v cube is directly proportional to e to the power 3 by 2, but v cube is what? V cube is directly proportional to R alpha, means R alpha is directly proportional to V cube. So by equation 1, put this value. So R alpha is directly related to the e to the power 3 by 2. Matlab range of alpha particle is directly related to the energy of alpha particle. Okay.
Now, taking log on both sides, if we take the log on both sides, it will be log of r alpha is directly proportional to log of e to the power 3 by 2. We have taken log on both sides, directly proportional. Okay. Then, log of r alpha is directly proportional. This is log rule. Okay, this is power. By taking log on both sides, if this is power, then it comes फॉरवर्ड ठीक है यहाँ पे पावर है तो ये पावर सामने आ जाएगा लॉग रूल के हिसाब से सो इट विल बी 3 बाय 2 लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 ओके 3 बाय 2 लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 अगर हमको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है ठीक है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो क्या होगा यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो बी डैश इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट सो इट विल बी लॉग ऑफ आर अल्फा टू द बेस 10 इज इक्वल टू बी डैश प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आया 3 बाय 2 लॉग ऑफ 10 log of e to the base 10 so this is the relation of Giger-Nettle law in terms of energy theek hai to in terms of energy kaise likhte hai log of r alpha is equal to b dash 3 by 2 log of e e means energy of alpha particles r alpha means energy range of alpha particle to ye kaise derive kiya r alpha directly proportional hota hai v cube ke sath equation number 1 energy kya hoti hai half mv square ठीक है हाफ ऑन कांस्टेंट है तो e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इस स्क्वायर को इस साइड में लेके गया तो e टू द पावर हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब ले लिया दोनों साइड में तो ये हो गया e टू द पावर 3 बाय 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब इसको रीअरेंज किया तो v क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e 3 बाय 2 बट v क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अल्फा सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ v क्यूब वी कैन राइट r अल्फा बिकॉज r अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सो r अल्फा इज डायरेक्टली proportional to e to the power 3 by 2 then we have taken the log on both side log of r alpha is directly proportional to log of e to the power 3 by 2 but according to the log rule this power will come forward so 3 by 2 log of e to the base 10 so log of r alpha is directly proportional to 3 by 2 log of e e means energy of alpha particle so to remove the proportionality sign we have added this constant so log of r alpha is equal to b dash 3 by 2 log of e b is proportionality constant so this is the relation of Giger-Nettle law in terms of energy log of r alpha is equal to b dash 3 by 2 log of e ठीक है तो हमने Giger-Nettle law इनिशियली ये देखा ऐसा होता है log of lambda is equal to a plus b log of r alpha और एनर्जी के टर्म्स में ऐसा होता है अभी हमने निकाला जो एनर्जी के टर्म्स में log of 10 that is b dash log of 10 e alpha ओके तो r जो log of r alpha जो होता है देखो log of 10 lambda is equal to a plus b log of r alpha ये हमने ये इक्वेशन पढ़ा जब Giger-Nettle law हम पढ़ रहे थे तो देखो यहाँ पे ठीक है ये देखो ये होता है log of lambda is equal to a plus b log of r alpha ये हमने पढ़े ठीक है और एनर्जी के टर्म्स में क्या आया हमारा इक्वेशन जब हमने ये एनर्जी के टर्म्स में निकाला तो log of r alpha is equal to b dash 3 by 2 log of e so log of lambda is equal to a plus b log of r alpha जो हमने Giger-Nettle law देखा और एनर्जी के टर्म्स में log of r alpha ये देखो log of r alpha की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं हम b dash 3 by 2 log of e so अगर log of r alpha की जगह b dash log of e रखा तो this will be the Giger-Nettle law in terms of energy ठीक है तो in terms of range of alpha particle ऐसा दिखता है Giger-Nettle law log of lambda is equal to a plus b log of r alpha और energy के terms में log of alpha is equal to log of lambda is equal to a plus b log of r alpha log of r alpha की जगह क्या रख सकता हूँ b dash 3 by 2 log of 10 e ठीक है log of e so we have calculated we have derived the range of alpha particle in terms of energy then if we put the range of alpha particle log of r alpha value यहाँ से b dash 3 by 2 log of e यहाँ रखता हूँ तो हमको जो relation मिलता है log of lambda is equal to a plus b dash log of e this is the Giger-Nettle law in terms of energy and above is this Giger-Nettle law in terms of range of alpha particle okay so today we have seen the Giger-Nettle law this is Giger-Nettle law log lambda is equal to a plus b log of r alpha in terms of energy we have derived the Giger-Nettle law in terms of energy and in terms of energy it is represented as log of lambda is equal to a plus b dash log of e so this is Giger-Nettle law in terms of energy
we have derived. This is the graph for Giger-Nettle law. It is the linear relationship between log of lambda and r alpha. It is linear. It means if r increases, lambda increases. If lambda increases, r will be increased. Okay, it is straight line for all the radioactive elements series, uranium, thorium, or actinium. Okay, then initially we have stated the Giger-Nettle law. Okay, decay constant less, R will be less. Decay constant jada, R will be more. Okay, it means that longest lived nuclei emit more energy, least energetic particle. It means agar half life period jada hai, decay constant kam hai, to kam energy alpha particles niklenge. Agar decay constant jada hai, अगर हाफ लाइफ पीरियड कम है तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी से अल्फा पार्टिकल इमिट हो गए. दैट इज Giger-Nettle लॉ. Giger और Nettle ने 1911 में ये लॉ दिया. और इनिशियली हमने पढ़े अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स डीके किसको बोलते हैं. अगर किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से. द मास नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 4, द एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 फॉर डॉटर न्यूक्लिया एंड द अल्फा पार्टिकल विल बी इमिटेड. वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल. इफ यूरेनियम न्यूक्लिया अंडरगो अल्फा डीके, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू थोरियम. इट्स मास नंबर विल बी रिड्यूस बाय 4. इफ इनिशियल मास नंबर इज 238, इट विल बी 234. इनिशियल मास नंबर वॉज 92 एंड देन इट विल बी 90 by emitting that alpha particle. So today it's all about the alpha decay and Giger-Nettle law, the graphical representation of Giger-Nettle law, and the Giger-Nettle law represented in terms of the energy. Okay, that's it for today. If you have any query, you can ask me.